जय हिंद। स्वागत है आपका एक्सिस बैंक जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की ओर से वैकेंसी निकाली गई है, और आपको पता है कि एआई एयरपोर्ट की जो भी वैकेंसी होती है डायरेक्ट इंटरव्यू के आधार पर होती है। वॉल्क इन रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज एट कोची एंड कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए दो जगहों की वैकेंसी आपको मिलेगी, और यहाँ पर अलग अलग टाइप की पोस्ट है जिसमें कि पूर्व सैनिकों को भी आपको रिजर्वेशन मिलेगा। जूनियर ऑफिसर टेक्निकल 5 वैकेंसीज है जो कि कोची के लिए है। उसके अलावा रैंक सर्विस एग्जीक्यूटिव यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर दो टाइप की वैकेंसीज कालीकट और कोची के लिए है। 23 वैकेंसीज है, 16 वैकेंसीज है। हैंडीमैन हैंडी वुमेन की वैकेंसीज कालीकट और कोची के लिए, यहाँ पर 224 कोची के लिए रिक्वायरमेंट है और कालीकट में 55 वैकेंसीज है। इंटरव्यू का डेट यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, 17 अक्टूबर 2023 9 बजे से लेकर 12 बजे तक ये है। जूनियर ऑफिसर टेक्निकल जो कि कोची के अंदर इनका इंटरव्यू होगा, और सेम डेट को यहाँ पर रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर की भी उनका भी इंटरव्यू है। और 18 और 19 तारीख को जो कि हैंडीमैन हैंडी ओमैन की वैकेंसीज है कोची और कालीकट, इनका भी इंटरव्यू 18 और 19 अक्टूबर 2023 को होने वाला है। तो दोस्तों इंटरव्यू का जो लोकेशन है वो भी यहाँ पर बताया गया है, और श्री जगन्नाथ ऑडिटोरियम नियर बेंगलोर दुर्गा देवी टेंपल बेंगलोर अंगामले एर्णाकुलम केरला पिन 683572 ऑन द मेन सेंटर रोड एमसी रोड 1.5 किलोमीटर अवे फ्रॉम अंगामले टूअर्ड कालाडी। तो ये लोकेशन है जो यहाँ इस एरिया के हैं उनको इसके बारे में पता होगा। ये जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा 3 साल के लिए रहेगा, और उसके बाद एज पर रिक्वायरमेंट इसको रिन्यू किया जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों वैकेंसीज जो भी हैं उसको मैं आपको बताऊँगा और क्या इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। तो यहाँ पे पहली वैकेंसीज है जूनियर ऑफिसर टेक्निकल कोचिंग में, यहाँ पर बैचलर डिग्री आपके पास इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल या फिर ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपके पास होना चाहिए। साथ ही में आपके पास LMB या फिर HMB ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है दोस्तों। काफ़ी लोगों के पास पूर्व सैनिक है उनके पास इस टाइप की डिग्री होती है, हालांकि इस टाइप की डिग्री वाले यहाँ पर मुझे नहीं लगता जाएंगे, लेकिन फिर भी आपके पास कोई जॉब नहीं है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने नज़दीक है आपके पड़ता है। तो 28,200 रुपये यहाँ पर सैलरी दी जाएगी, 28 साल मैक्सिमम है। उसके अलावा एज रेस्ट दिया जाएगा एज पर रूल के अनुसार, यहाँ पर इसके बारे में गवर्नमेंट रूल के अनुसार आपको छूट भी दी जाएगी। जॉब में क्या क्या फंक्शन रहेगा, क्या क्या काम रहेगा, उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और दूसरी जो जॉब है ये है रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव की, और यहाँ पर कोची एंड कालीकट में आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी। 3 साल का डिप्लोमा जिनके पास है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल या फिर इस टाइप का वैकेंसी जिनके पास डिप्लोमा, काफ़ी लोगों के पास होता है पूर्व सैनिक जो कि टेक्निकल ग्रुप से हैं, या फिर आपके पास ये नहीं है तो ITI विद NCTBT नेशनल काउंसिल टेक्निक ट्रेनिंग और वोकेशनल ट्रेनिंग से रिलेटेड आपके पास यदि इस तरह का है जिसमें कि मोटर व्हीकल ऑटो इलेक्ट्रिकल या फिर एयर कंडीशनिंग डीजल मैकेनिक बेंच फिटर वेल्डर ITI विद NCTBT सर्टिफिकेट जो आपके पास नेशनल काउंसिल के द्वारा दिया जाता है या फिर स्टेट के द्वारा, स्टेट का जिक्र यहाँ पे नहीं है बल्कि सेंट्रल लेवल पे है। तो इस तरह के जिनके पास भी सर्टिफिकेट है डिप्लोमा है वो सब इसके लिए एप्लीकेबल रहेंगे। कैंडिडेट मस्ट कैरी ओरिजिनल वैलिड हैवी मोटर व्हीकल एट द टाइम ऑफ अप्लीकेबल टेस्ट। तो HMB भी आपके पास होना चाहिए। सैलरी यहाँ पर 30,640 रुपये दिया जाएगा, 28 साल मैक्सिमम है, गवर्नमेंट रूल के अनुसार आपको यहाँ पर छूट दी जाएगी एक्सेसमेंट को भी। जॉब का डिस्क्रिप्शन क्या होगा, क्या क्या काम आपको करना होगा उसकी जानकारी। नेक्स्ट वैकेंसी है यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर की, कोची और कैलीकट के लिए है। 10th पास होना चाहिए। मस्ट कैरी ओरिजिनल वैलिड HMB ड्राइविंग लाइसेंस इन द टाइम ऑफ अपियरिंग फॉर टेस्ट के टाइम आपको HMB लाना ज़रूरी है। 20,130 रुपये सैलरी यहाँ पर दी जाएगी, और
गवर्नमेंट रूल के अनुसार पूर्व सैनिकों को यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाए। काम क्या रहने वाला है दोस्तों, यहाँ पर इसकी जानकारी आप देख सकते हैं। नेचर ऑफ ड्यूटीज, अगली वैकेंसीज हैंडीमैन हैंडी वोमैन की वैकेंसीज है कालीकट कोची के लिए, इसके लिए 10th पास होना चाहिए आपको, लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए, इंग्लिश की जानकारी अंडरस्टैंड हो सकते हैं, जो हिंदी लैंग्वेज जानते हैं या फिर अदर लैंग्वेज जानते हैं उनको यहाँ पर प्रिफ्रेंस दिया जाएगा। 17,850 रुपये सैलरी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो वैकेंसीज है ये वोमेन के लिए भी है। काम क्या क्या रहने वाला है उसकी डिटेल आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जितनी भी वैकेंसीज आपको वहाँ पर सिलेक्शन इंटरव्यू के आधार पर है, हालांकि जो HMB वगैरह जो जहाँ पर मांगा गया है वहाँ पर आपका ट्रेड टेस्ट भी होने वाला है। यहाँ पर 500 रुपये है, लेकिन पूर्व सैनिकों को यहाँ पर एग्जामटेड किया गया है, नो फीस असेसमेंट के लिए कोई भी फीस आपको देखने को नहीं मिलेगी। बाकी जो रूल्स हैं गवर्नमेंट डायरेक्टिविटीज हैं उसके अनुसार यहाँ पर पूर्व सैनिकों को भी छूट दी जाएगी, साथ में अन्य जो कैंडिडेट है उनको भी छूट दी जाएगी। इसका एक फॉर्म मिलेगा यहाँ पर, ये जो पूरा है ये ऑफिशियल यूज़ के लिए है। बाकी यहाँ पर आपको फ़ोटो लगानी है और यहाँ पर अपनी डिटेल्स आपको कंप्लीट भरनी होगी, जो यहाँ पर बताई गई है एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या क्या है। एक्सेसमैन है तो यहाँ पे आपको यस करना होगा और ये एप्लीकेशन लेके आपको जाना होगा जिस दिन आपका इंटरव्यू की डेट यहाँ पे बताई गई है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको उनके साथ उनकी फ़ोटोकॉपी लगानी है, जिसमें कि 10th का मार्कशीट होता है, हो सकता है मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है 10th 12th का, और डिग्री से रिलेटेड आपके पास यदि है, डिप्लोमा से रिलेटेड है कोई सर्टिफिकेट है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन केस ऑफ एक्सेसमेंट के लिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो नेशनलिटी जो कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं मूल निवास, पैन कार्ड आधार कार्ड, इनकम टैक्स से रिलेटेड यदि है आपके पास तो, और अन्य जानकारी यहाँ पर आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। बाकी डिटेल्स जो मेन मेन जानकारी थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। बाकी आप इस वैकेंसीज को देख सकते हैं, यदि आपके सूटेबल करती है, आपके पास कोई जॉब नहीं है तो फिलहाल के लिए 17 अक्टूबर और 18 अक्टूबर 19 अक्टूबर तक इंटरव्यू चलेगा और लोकेशन यहाँ पे बताया गया है। तो ये थी वैकेंसीज दोस्तों, जो कि फिलहाल 3 साल के लिए है, लेकिन इसको बढ़ा दिया जाएगा, रिन्यूअल किया जाएगा एज पर परफॉर्मेंस और रिक्वायरमेंट ऑफ AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की रिक्वायरमेंट के अनुसार ये बढ़ी जाती है, क्योंकि उनको हमेशा रिक्वायरमेंट रहेगी, चीज़ की रहती है। तो ये थी जानकारी, इतना ही। जय हिंद।